हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट का। इस चैप्टर को हमने रिवीजन के तौर पर स्टार्ट किया है काफी दिन पहले, और रिवीजन्स का हमने ओवरव्यू एक अच्छे तरीके से लिया था। इसके कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है आप देख लीजिए कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, फिर बच्चे पूछते हैं कि सर बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डायरेक्ट तरीके से बताऊं कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो पहले थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अंदर आपको क्वेश्चन सबसे पहला जो बनता है वो बनता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो सीधा आपका आता है स्फेरिकल मिरर्स पे, कि कितने तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में स्फेरिकल मिरर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन से पहले हम पढ़ते हैं रे डायग्राम, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। और वो रे डायग्राम कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इमेज फॉर्म कैसे करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जिस तरह से जैसे कि हम अल्फाबेट सीखते हैं बेटा हम, ठीक है ना, उन अल्फाबेट को मिला के हम फिर एबीसीडी आप पूरी आप सीखते हैं, फिर हम कुछ लिखते हैं लेटर वगैरह। ठीक है, उसी तरह से एक रे डायग्राम से हम उसकी हेल्प से हम इमेज को फॉर्म करते हैं। तीन क्वेश्चन ये हो गए। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव के लिए 6 तरह की इमेज है, कॉन्वेक्स के लिए 2 तरह की इमेज है, क्यों होती है वो भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस 2, 3, 4, 4 नंबर के, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन जिस जितने कंटेंट का है उतने हिसाब से आता है। फिर साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं, बड़ा सा स्फेरिकल मिरर का डायग्राम बनाते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं कि भाई इस साइड डिस्टेंस चलेगी तो पॉजिटिव आएगी, इस साइड चलेगी तो नेगेटिव आएगी, वो पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है ना। एंड ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस हाइट कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, ये सारे 4 पॉइंट हम लिखेंगे। उसके बाद में कुछ और चीजें ऐड करके हम उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है, अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो ये 6 तरह के क्वेश्चन मिरर के लिए आते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। वो का वो सेम काम का रिफ्लेक्शन के लिए होता है, और ये 6 तरह के पैटर्न रिफ्लेक्शन के लिए आते हैं। बस में आएगी ना, तो थ्योरी के अंदर 2, 3 और 4 नंबर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये 12 तरह के क्वेश्चन डिफरेंट तरह के आपके बनते हैं। ठीक है ना, ज्यादा इसके इससे ज्यादा कोई ज्यादा डिटेल की बात नहीं है, एक दो कुछ और एक्स्ट्रा कर ले हम। उसके अलावा जो बाकी पोर्शन बचता है पूरे चैप्टर का वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल के ऊपर मैं ज्यादा एम्फसिस करता हूं, क्योंकि बच्चों को कितना भी समझाओ उसके अंदर आपकी इसके अंदर एरर रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप प्लस माइनस के अंदर गलती करोगे, इसके अंदर फॉर्मूला थ्रू आउट चैप्टर एक ही चलता है। लेंस के लिए माइनस बीच में आता है और मिरर के लिए प्लस बीच में आता है, इतना ही फर्क है, बस माइनस प्लस के अलावा कुछ नहीं। आपको साइन कन्वेंशन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको साइन कन्वेंशन ढंग से आता है कि किस साइड जाएंगे, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, किसकी फोकल लेंथ किस साइड में है, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। सो प्रीवियस वीक हमने रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन किए थे, अब हम 2-3 लेक्चर आगे वाले जो होंगे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को करते रहेंगे साथ में। ठीक है ना, तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डाल सकते हैं जो कि आपने पहले डाल रखी है हेडिंग। चलिए आज कुछ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करते हैं, रिफ्लेक्शन की आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट। अब ये क्वेश्चन मैंने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी दिया था, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन। अब काफी बच्चों ने गलत किया बेटा, ठीक है, कैसे देखो, पहले तो आप बोर्ड के अंदर लिखना सीखिए। काफी बच्चों की कॉपी चेक करने के बाद ये लगता है कि बेटा आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, पहले तो आप राइटिंग इंप्रूव करें। मेरी रिक्वेस्ट बेटा, हम्बल रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से कि आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करें। ठीक है ना, आप अपनी जगह पे खुद को, स्टूडेंट को आप टीचर की जगह पे रखकर सोचें कि आपके सामने एक कॉपी आई जिसके अंदर आपने कुछ भी लिखा है, तो आप क्या इतना दिमाग लगाएंगे कि आप उस कॉपी के अंदर एक एक लाइन को रीड करें और आप ये समझे कि आपने क्या लिखा है और फिर आप उसको चेक करें? नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो आप जितना अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना, कंटेंट की बात सही है गलत वो बात की बात है, लेकिन पहले आप लिखना तो सीखे एटलीस्ट कि आपको राइटिंग कैसे देनी चाहिए पेपर के अंदर, ताकि सामने वाला जो कॉपी चेक करे उसको एक बार के लिए लगे कि हाँ ये कॉपी में ढंग से चेक करूं। आप भले कितना भी सही लिखोगे बेटा, आपने पूरा पूरा क्वेश्चन करेक्ट किया है, लेकिन आपकी राइटिंग मतलब ऐसी है कि वो सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको उसमें 0 नंबर मिलेगा बेटा, क्योंकि सामने वाला उसको रीड ही नहीं कर पा रहा, तो कैसे ये डिसाइड करेगी आपने सही लिखा है गलत लिखा है? ठीक है, तो पहले ही जो मेहरबानी करें 10th क्लास वाले, वो ये मेहरबानी करें कि आप लोग अपनी राइटिंग को इंप्रूव करें। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है आराम से लिखा करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, टाइम अपने पास में बहुत है वैसे भी, सही ना, उसके बाद आप क्वेश्चन रीड करें और सॉल्व करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर इज 2.25, मैं लिख लेता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर, तो मैं इसको BW लिखता हूं। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर बोला है ना, तो सिंपली मैं इसको B लिखता हूं, स्मॉल B लिखता हूं, इज 2.25 × 10⁸ m/s। स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर आपको गिवन है, फुल स्टॉप।
कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर, कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर। हमने बेटा प्रीवियसली बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस की आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। कैसे? आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो ये लिखवाया था कि स्पीड ऑफ लाइट, तो यही लिख लेते हैं। कैसे? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं म्यू से, ठीक है ना। आप किसी तरीके से लिख सकते हैं, मैं म्यू से लिख सकते हैं, आप एन से लिख सकते हैं, कोई भी तरीका। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, देखो वैक्यूम और एयर के अंदर कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लैश एयर। बात दोनों में एक जैसी है, वैक्यूम और एयर दोनों में लगभग है ना बराबर स्पीड रहती है। लेकिन आप सोचिए कि वैक्यूम वो है जहां पे कोई मीडियम नहीं है और एयर अपने आप में एक मीडियम है, तो जब नो मीडियम से किसी मीडियम में आएगी लाइट की स्पीड तो कुछ तो कम होगी ना बेटा, ठीक है ना। भले एयर गैस है लेकिन उसके अंदर कुछ तो लाइट की स्पीड में डिक्रीमेंट होता है। तो आप हमेशा ये लिखाते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पे कौन सा मीडियम है, यहां पर कौन सा मीडियम, वॉटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर, अब हमेशा वॉटर नहीं लिखना है, आपको जो सब्सटेंस बोला गया हो तो आप यहां पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस, इन द सब्सटेंस, ठीक है ना। तो अभी हमको वॉटर की वजह से वॉटर की बात कर, क्लियर। अब हमको दोनों चीजें गिवन है, आप ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। ये हमको गिवन है और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है सी। सो हम स्पेशल लिख सकते हैं दिस इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू सी बाय बी। अच्छा सी क्या चीज है, वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एयर वैक्यूम कितनी है 3 × 10⁻¹⁸ अपॉन में वॉटर में कितनी है 2.25 × 10⁻¹⁸, क्लियर। यूनिट हमेशा चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकंड ये मीटर पर सेकंड है। अच्छा कुछ बच्चे ये न्यू की यूनिट लिखने लगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो अगर हम लेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस। इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, स्पीड अपॉन स्पीड तो लिखा है, ठीक है ना। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 को 2.25 से कुछ डिवाइड करेंगे आप तो आपको नियर बाय कुछ 1. अच्छा नोट करता हूं, याद होनी चाहिए 1.33 होती है, सो 1.33 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आता है 1.33, पीछे कुछ नहीं लिखना है, मीटर पर सेकंड वगैरह कुछ नहीं, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। अब ये तो तरीका है बोर्ड में क्वेश्चन करने का, ठीक है ना, ये सिंपल तरीका, अच्छा तरीका है। कुछ बच्चे सीधा लिखते हैं बेटा, सीधा लिख लिया न्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट न्यू इज इक्वल टू इतना ही लिखते हैं इतना। इस बार तो मैंने नंबर दे दिए रस्ते से आपको, पूरे नंबर तो किसी को नहीं दिए ये। अब आप सोचिए कि दो नंबर का क्वेश्चन, फॉर दो नंबर के क्वेश्चन के लिए दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड मिनिमम मेथड दो नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आप दो नंबर के क्वेश्चन में ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपने सिर्फ इतना लिख लिया है, 99% बच्चों ने सिर्फ इतना लिखा है, ये क्या, ये कहां से आया, ये चीज कहां से आई, वो नहीं लिखोगे क्या, ये जरूर ये प्रोसीजर ध्यान रखें आप, ठीक है ना। सब कुछ मेंशन करोगे, फॉर्मूला देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है, नोट कीजिए बेटा। चलिए अच्छा कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि सर जो पेपर करवाया है आखिर लेकर वो पेपर हम सॉल्व करवाए सर आप, तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा बेटा, ठीक है ना, अगले लेक्चर में जब याद आएगा, ये किसी बच्चे ने बोला था मुझे, सो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है ना। जो पेपर आपका आखिर लिखा हुआ है उसके जो मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितना किया क्या सही किया, ठीक है ना, डोंट वरी। चलिए अभी आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है एग्जाम के अंदर आपको बोर्ड के अंदर, इसमें आखिर में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट दिया है। सभी बच्चों ने सिर्फ वही एक तरह की बकवास की है, म्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 सीधा करके आंसर मत किया करो बेटा, ठीक है ना, फॉर्मूले के बिना वैल्यू कहां से आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर, कुल मिला के एक लाइट की रे वॉटर के सर्फेस पर फॉल हो रही है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर फुल स्टॉप, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्वेश्चन नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो उसको आई से लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री विथ द नॉर्मल ऑफ द सर्फेस, विथ द नॉर्मल ऑफ द सर्फेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ द नॉर्मल ऑफ द सर्फेस, अभी समझाऊंगा क्या है, नॉर्मल के साथ मतलब सही दे रखा है, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज, वॉटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, कितना दे रखा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉटर का आपको दे रखा है 4/3, और वो मैंने निकाला था ना 4/3 वही है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप सीधे याद रख सकते हैं 1.33, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल आर, पहले तो समझ लेते हैं क्या झमेला चल रहा है, देखो बेटा ये वॉटर का सर्फेस है, ये एयर है, ये वॉटर है, नॉर्मल नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सर्फेस से, एक वर्चुअल इमेजिनरी लाइन है, इसलिए मैं इसको डॉट से बनाता हूं हमेशा, क्योंकि भाई जो चीज वर्चुअल है उसको आप रियल कैसे बता सकते हो, ठीक है ना, बात समझ गए, तो ये नॉर्मल है हमारा, क्लियर बेटा। अब लाइट की रे जो आ रही है वो इंसिडेंट हो रही है वॉटर के सर्फेस के ऊपर, इस तरह से ऐसे इंसिडेंट होगी, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे, अब ये इंसिडेंट रे आपको ध्यान से दे रखा है कि नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है कि वॉटर के सर्फेस से एंगल बनाना 60 डिग्री का, अब अगर ये लाइट की रे वॉटर के सर्फेस से वो 60 डिग्री एंगल बनाती, 60 डिग्री का, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं लेट से कि अगर यहां पे ये एंगल आपको 60 डिग्री पर होता, आपको बोलता कि द इंसिडेंट रे मेक्स एंगल विथ द सर्फेस ऑफ वॉटर 60 डिग्री, तो आप क्या बोलते 60 डिग्री ये होता, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल के साथ एंगल दिखता 90 डिग्री का, 90 में से 60 गया तो पीछे ये कितना बचा 30 डिग्री का, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी 30 डिग्री, समझ लो, तो नॉर्मल का और सरफेस का ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, सो अभी आपको क्या गिवन है, अभी आपको सीधा दे रखा है कि नॉर्मल के साथ में ये इंसिडेंट एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री का, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब होगा क्या बेटा, लाइट के लिए ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो किसके साथ में, भाई रेयर से लेंस से जा रही है, तो नॉर्मल की साइड बैंड होगी, नॉर्मली साइड बैंड होने पर इसका एंगल बनेगा आर, और डेफिनेटली बात है कि हम रिफ्रैक्शन की बात करें और रिफ्रैक्शन के अंदर आई और आर इक्वल नहीं होते, आई और आर के अंदर एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं स्नेल का लॉ, अब हमको ये पूछा गया, ठीक है ना, चलिए वाटर का इफेक्टिव इंडेक्स गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, अब देखिए हम जानते हैं बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, अब स्नेल का लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी जगह पे रिफ्रेक्शन का फिनोमेना होता है दो मीडियम में, तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, तो साइन आई बाय साइन आर मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का साइन एंगल, कैसे, स्नेल का लॉ क्या कहता है कि साइन आई, ट्रिग्नोमेट्री आप सभी ने पढ़ी होगी मैं उम्मीद करता हूं, बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको बोलते हैं न्यू, यही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, So, हमारे पास में क्या क्या वैल्यू थी, गिवन है साइन, अब आई की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइड बाय साइन, आर की वैल्यू नहीं पता है, आर को आर के लिखते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना गिवन है, वॉटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, हमको क्या निकालना है साइन आर, तो मैं ट्रांसफर कर लू इधर उधर, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं अगर साइन आर लिखना चाहूं तो साइन आर को मैं क्या लिखूंगा, थ्री बाय फोर ऑफ साइन 60 डिग्री, घबरा गए भाई, इसको उधर ट्रांसफर किया और इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो साइन आर की वैल्यू डायरेक्ट दिया गया मेरे पास में, तो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी 3/4 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना, मैंने हमेशा आपको सिखाया, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपको एक टेबल याद है सिर्फ साइन की, तो आपको सभी की टेबल सभी 6 की 6 याद हो जाएगी, साइन 10 कॉस कॉट 7 कॉस 6 सभी की याद हो जाएगी, कैसे, साइन 0 डिग्री जो होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है,
साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, साइन का एंगल धीरे 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 डिक्रीज होता है, ठीक है ना, कैसे सॉरी इंक्रीज होता है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, साइन 45 होता है 1, उसके बाद में आगे सॉरी साइन 45 होता है 1/√2, उसके बाद में साइन 60 जो होता है वो √3/2, उसके बाद में साइन 90 की बात करें जो कि होता है 1, ठीक है ना। तो साइन का एंगल 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 3/√3/2। सो साइन आर इज इक्वल टू 3/4 √3/2, सही बात है बेटा, 3/4 √3/2, ठीक है। क्यों लिख लीजिएगा पीछे, बिकॉज साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। साइन आर अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम फाइंड करके, तो हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर इज इक्वल टू 3 √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2, और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। सो आर कितना आपको क्या पूछा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा गया, तो इसका आप साइन इनवर्स ले लेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास में कुछ गिवन ही है, आर इज इक्वल टू 0.6। अब इसको डिवाइड करके जब आप निकालेंगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, साइन आर इज इक्वल टू 0.65, ठीक है ना। अब यहां पर जब ये साइन आर 0.65 हो गया, यहां तक आपका ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब आपको तो एंगल निकालना है, आपको साइन एंगल नहीं निकालना, आपको आर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, हम साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे, भाई साइन और आर दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे, ओनली साइन को, तो एस आई एन जो आर है वो तो यही है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैसे ही काम करता है जैसे बाकी फंक्शन काम करते हैं, कि हम साइन को उधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, मतलब -1 पावर हो जाएगी, भाई जैसे कि भाई मीटर पर सेकंड आप उधर ट्रांसफर करते हो ना, तो क्या हो जाता है मीटर सेकंड का इनवर्स होता है कि नहीं होता, वैसे ही वैसे ही। तो यहां पे कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स, मतलब साइन की पावर -1, और साथ में जो आपको गिवन है ये अब एंगल आर की वैल्यू है, और आप घबराए नहीं, बिल्कुल 99 के हमेशा आपको 100% आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, आप घबराए नहीं, अभी नहीं दे रखिए मैं बता देता हूं, और ना भी करें तो आप यहां तक करें तो भी करेक्ट है, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। कि कभी भी बोर्ड में गिवन होता है कि भाई साइन दिस की वैल्यू, क्योंकि ये कैलकुलेटर के बिना निकलेगी नहीं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है आप इंजीनियरिंग में जाके जब करोगे काम काज वो उससे काम होता है, डायरेक्टली आपसे नहीं निकलेगा, ये यहां तक ये आंसर करेक्ट है। अब ये बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी मान लीजिए गलती से 3 नंबर का जाए तो, ठीक है ना, ये इसको बोर्ड में करने का तरीका बेटा, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आप सोच रहे हो कि हर चीज क्यों लिख रहा हूं, ये तो बोर्ड में करने का तरीका है। अगर आपको मार्क्स चाहिए, अगर आप ये कहते हो कि हमें मार्क्स चाहिए सिर्फ बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने, देन फॉलो दिस मेथड, कम से कम इस तरीके का मेथड आप फॉलो करें, अच्छे तरीके से बातें लिखे। मैं नहीं कहता कि मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने प्रॉपरली लिखा है, मैं नहीं कहता, सही सही बात है ना बेटा, देखो आपको राइटिंग, आपको हर एक चीज क्लियरली दिख रही है कि क्या क्या कहां पे क्या लिखा हुआ, सही है ना, राइटिंग से भी अलग अलग होगी, उसमें कुछ मैटर नहीं है। नोट कीजिए इसको फटाफट, चलिए बेसिक समझ में आ रही बात है आपको, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, अभी एक तरह का क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वही जो अभी लिखा था 4/3, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ठीक है ना। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, लिखिए कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वॉटर, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहां तक आपको लिखी आपने, अब एक सच्ची समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीजें लिखी हुई, ठीक है ना। आप समझिए कि आपने जब हम जब ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम जाती है स्टैंडर्ड चीजें, आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो होता है वो 4/3 होता है, मतलब 1.3 होता है, कैसे होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए, हम ये कहते हैं
कि जब हमने एयर एंड वाटर लिए, ठीक है, और हमने लाइट के लिए कुछ तरह से पास करवाया, तो हमको जो मीडियम, इन दोनों मीडियम से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला और वो जो म्यू मिला वो कितना मिला, 4/3, ठीक है ना। इसको कैसे लिखे, अब इस म्यू को मैं ढंग से लिखना चाहता, मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर, म्यू ऑफ वॉटर विद रेस्पेक्ट टू, जब मुझे ग्लास इस तरह से लिखना है ना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं क्या करूंगा, म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू म्यू ऑफ वॉटर। आपने ये लिखा भी होगा पहले, ठीक है ना, हमने जब चैप्टर किया है फर्स्ट टाइम उस टाइम हमने बात की है कि जब तीन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखा होता है तो उसको आप लिखते इस तरीके से, आप देख लीजिए, ठीक है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वॉटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, इसको लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं क्या, इसको आपने लिखा है, आपने क्या लिखा है, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये आपने इस तरह से लिखा है, आप देखिए, ठीक है ना, एयर, सो वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर विच इज 4/3 एंड ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर विच इज 3/2 सॉरी। आपको क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू मतलब वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो उसको आप देखेंगे कैसे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू, सही, और ये आपको फाइंड करना है, तो इसको मैं डायरेक्ट आप साथ में मत लिखना प्लीज, डब्ल्यू म्यू को अलग लिखें और नीचे इस तरह से लिखें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी का अलग अलग लिख लिया। अब सीधी वैल्यू पुट करनी है हमको, सो ग्लास का कितना देखा है आपको, 3/2 डिवाइड बाय 4/3, सो आपका डब्ल्यू न्यू जी जो है वो आ जाएगा 9/8, ये 3 तो ऊपर जाएगा और 4 टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 9/8 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, क्लियर बेटा, 9/8 लिखे तो भी सही है, आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहे और लिखना चाहे 1.1 समथिंग तो भी सही है, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है, बस सुन आइए आपको, हम यहां पर जबकि लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड है इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह इसको ऐसे लिखते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है ना, नोट कर लीजिए, इसको कहीं भी ड्रॉ कर लेना आप, कि जब आपको ग्लास का ग्लास और वॉटर, ठीक है, कोई दो मीडियम बना के आप लिख लीजिए, चलिए बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सिंपल और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम अ रे ऑफ लाइट is incident on the plane surface of a transparent medium at an angle of 60 degree with the normal full stop the angle of refraction is 30 degree The angle of refraction is 30 degree. Full stop. Calculate the refractive index of the transparent medium. अब इस बार बेटा आपको मीडियम नहीं दे रखा है, आपको सीधा बोला है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में सीधी बात है उसकी थ्रू लाइट पास होगी और फिनोमिना कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 या 3 जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है ध्यान रखें, आपको ये बोला कि कोई मीडियम, हमको नहीं पता कौन सा मीडियम, ठीक है ना। अब लाइट की रे जो है वो नॉर्मल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टेड है और वो जो वापस से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में जो एंगल बना रही है वो एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का,
क्लियर ना, ये है रिफ्रैक्टिव। तो आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही। हम जानते हैं कि भाई बाय स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो दो मीडियम के साइन का जो रेशियो होता है वो म्यू के बराबर होता है, मतलब साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। सो साइन आई बाय साइन आर, अब साइन आई की बात करूं तो साइन आई कितना, आई रिफ्रैक्टिव आई कितना एंगल 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह से आप यहां पर लिख लीजिएगा, ये गिवन है आपको, आई गिवन है, आर गिवन है, ठीक है ना, ये चीजें गिवन है। मैं थोड़ा स्किप कर गया बेटा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। डायग्राम मैंने उसके पास में लिखे या फिर बाहर में लिखे, जहां पर लिखना चाहे, 60 अपॉन में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में, अब देखिए साइन आई 30 डिग्री हो गया इज इक्वल टू में म्यू, सही। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, और साइन 30 होता है 1/2, रूट 3/2 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू म्यू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.72। तो म्यू आपके पास में कितना आ गया 1.72। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.72, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आपको जहां तक लिखा है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराए नहीं, आपको वैल्यू दे रखी होगी, नहीं याद होती तो धीरे धीरे आपको आगे याद हो जाएगी। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आएगा, ये तरीका है 2 नंबर के क्वेश्चन करने का, ये कभी भी 3 नंबर में आता है तो इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर देंगे, सही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे, थैंक यू।